हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो बेसिकली चेस्ट के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में मैं जो पार्ट्स कवर अप करने वाला हूँ वो है चेस्ट के सारे वर्कआउट्स एंड एक्स्ट्रा टिप्स जो आपको आपके चेस्ट को और बढ़ाने को हेल्प कर सकता है। एंड डोंट वरी, ऐसा कुछ एक मिथ है कि लड़कियाँ चेस्ट डेज नहीं कर सकती। बहुत सारे बिगनर्स को लगता है कि लड़कियों को चेस्ट डेज नहीं करना चाहिए, उनको अफेक्ट कर सकता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं है। इवन गर्ल्स कैन डू चेस्ट डेज एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। इट उनका शेप और अच्छा, फिगर उनका और अच्छा हो जाता है। सो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग आउट विद ऑल माई वर्कआउट्स। सबसे पहली एक्सरसाइज हम लोग अपने अपर चेस्ट के लिए लगाएंगे। एंड अपर चेस्ट के लिए बॉडी वेट एक्सरसाइज जो है वो है डिक्लाइन पुशअप्स। एंड डिक्लाइन पुशअप प्रॉपर फॉर्म में की जाए तो आपकी अपर चेस्ट घर पे एकदम स्ट्रॉन्ग बन सकती है। यू डोंट नीड टू हैव एनी इक्विपमेंट्स फॉर दिस। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेट्स थोड़े लगा सकते हो इसके लिए। सो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिक्लाइन पुशअप्स करते कैसे हैं, एंड फिर लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको रेजिस्टेंस वगैरह के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ डिक्लाइन पुशअप, हियर वी गो। सो गाइस, ये है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप कैसा होता है कि आपको अपने पैर एक एलिवेटेड सर्फेस पर रखने होते हैं एंड आपके हाथ आप ज़मीन पर होने चाहिए, एंड इस ही फॉर्म में आपको पुशअप्स करने हैं। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो हियर वी गो। Legs on elevated surface, hands on the floor, and push-ups. Guys, ये तो आपने decline push-up proper form में लगा लिए। So अभी आपको अपने lower chest को target करने के लिए आपको या तो एक free weight की ज़रूरत पड़ेगी या फिर resistance band। तो आप देख लो कि आपके पास क्या है। अगर रेजिस्टेंस बैंड नहीं है और डंबल दोनों भी नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर बुक्स और बॉटल्स, जो क्लासिक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई वेट नहीं है तो ये यूज़ करो। सो ये आप ये ले लो और घर पे थोड़े बहुत 5-6 पिलोस का अरेंजमेंट कर लो। आप घर पे ही अपने लोअर चेस्ट पे अच्छे से विदाउट एनी बेंच आप घर पे ही अच्छे से वर्क ऑन कर लोगे। सो कैसे करते हैं, आई विल शो यू राइट नाउ। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कहा आपको कि आपको थोड़े बहुत पिलोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हाट आई मीन टू से इज़, आप थोड़े बहुत पिलोज़ को लेकर उसको एक डिक्लाइन फॉर्म में अरेंज कर लो, विच इज़ लाइक दिस, ऊपर से नीचे, जिसके वजह से आपको अपने लोअर चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा जब भी आप ये जो एक्सरसाइज मैंने करके दिखाई वो करोगे। सो आपको बस इधर थोड़े ज़्यादा कुशन्स रखने और उधर थोड़े कम रखने, दैट्स इट। एंड आपका एक होममेड बेंच रेडी हो जाएगा सस्ता जुगाड़। तो कर लेना ये एक्सरसाइज, ट्राई योर बेस्ट। अगर आपके पास इतने नहीं है तो आई विल ऑल्सो शो यू विद रेजिस्टेंट बैंड्स। हियर वी गो। सो गाइज, ये जो अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ वो है रेजिस्टेंस बैंड के साथ। एंड आपको ये जो रेजिस्टेंट बैंड इधर दिख रहा है वैसा आपको कहीं पर ऐसा हुक के साथ टांग देना है, जैसे मैंने इधर टांग दिया है, वैसा हुक के साथ टांग लो एंड जस्ट डू दिस। यू हैव टू टेक योर हैंड्स अपवर्ड्स, फिर नीचे, ऊपर नीचे, दैट्स इट। यू विल वर्क योर लोअर चेस्ट, एज सिंपल एज दैट। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, सिंपल है। गाइस, आपका अपर चेस्ट का और लोअर चेस्ट का वर्कआउट तो हो गया। सो एक फिनिशर एक्सरसाइज जो आपको अभी करनी है विच इज़ वाइड ग्रिप पुशअप्स एंड रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। अभी ये दोनों एक्सरसाइज मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। एंड द ट्विस्ट इज, आपको ये दोनों एक्सरसाइज ना सुपर सेट में करनी है। वॉट इज सुपर सेट? सुपर सेट इज आपको ये एक्सरसाइज विदाउट एनी ब्रेक आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करनी है। लाइक सपोज आपने 10 वाइड ग्रिप पुशअप कर लिए तो बिन रुके, बिन किसी ब्रेक के आपको 10 रिवर्स ग्रिप पुशअप्स करने हैं। एंड उसके बाद आप ब्रेक लोगे, देन यू विल गो टू द सेकेंड सेट। फिर आप वापस 10 ये रिवर्स ग्रिप करोगे एंड देन 10 वाइड ग्रिप, देन वापस थोड़ा रेस्ट, देन वापस वाइड ग्रिप एंड देन रिवर्स ग्रिप। सो दिस इज हाउ द सुपर सेट वर्क्स। सो ये दोनों एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करते हैं, आई विल शो यू राइट नाउ।
सो गाइज, अभी जो फिनिशर एक्सरसाइज है जो मैंने कहा था आपको, वाइड ग्रिप करना है पुशअप्स एंड देन रिवर्स ग्रिप. सो ये सुपर सेट में है, ये याद रखना. सो वाइड ग्रिप मतलब शोल्डर के नीचे नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, थोड़ा और बाहर होना चाहिए. सो ऐसे में आपको पुशअप करना है. एंड देन द रिवर्स ग्रिप मतलब हाथ इधर होना चाहिए, ऐसा उल्टा. ये आपके अपर चेस्ट पे ज़्यादा वर्क करेगा. सो हियर वी गो, वाइड ग्रिप, पुशअप्स, रिवर्स ग्रिप ऐसा, एंड देन पुश. ये तो आपके सारे एक्सरसाइज हो गए. सो नाउ द प्रो टिप, आप जो भी सारे सेट्स करोगे ना, मतलब एक सेट हो जाने के बाद ट्राई फ्लेक्सिंग इट. फ्लेक्स मतलब क्या होता है, जस्ट उस चेस्ट वाले रीजन को एकदम टाइट करना. उधर जितना ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, उतना आपका मसल ग्रोथ होगा, उतना अच्छा पंप आएगा. सो द टिप बेसिकली इज, पहला सेट हो जाने के बाद फटाक से फ्लेक्स करो, उधर ब्लड फ्लो बढ़ाओ. फिर उसके बाद एट द एंड ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग वगैरह प्रॉपरली करो, उसके बाद ही और अच्छे से ग्रोथ होगा. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको मज़ा आया, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना. एंड अगर आपको पुशअप्स नहीं आते, इन केस मतलब बिगनर्स को मोस्टली पुशअप्स में बहुत तकलीफ होती है, मैंने खुद ने फेस की है. सो मुझे कमेंट में बता देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पुशअप्स के बारे में बनाएंगे. सो दैट आपका पुशअप्स कैसे हुआ, कैसे करते हैं आप, कैसे फर्स्ट रेप आपका आता है, कैसा आप धीरे धीरे इंक्रीज करते हो, वो सारा चीज़ हम लोग कवरअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो. एंड दैट्स इट, लव यू ऑल, पीस.